हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन की में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने 1 किलो आम लिए हैं। ये रामकेला आम है जिसका हम अचार भी बनाते हैं। आप जो भी आम लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इस तरह से हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे सारे आमों के। दोस्तों, मैंने पहले आपको आम पापड़ की रेसिपी भी बताई थी, वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की थी। तो अब मैं देखती हूँ कि आप इसमें मुझे कितने व्यूज़ देते हैं। आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं, अब इससे हम जो है ग्रेट करेंगे। सारे आमों को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए मैंने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें अपने सारे ग्रेट किए हुए आम जो है उसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, मेरे आम जो है 2 कप हैं, 1.5 कप मैं चीनी का ले रही हूँ। वैसे तो जितना आम होता है उतनी चीनी ली जाती है, लेकिन मुझे खट्टी मीठी चटनी बनानी है इसलिए मैं 1.5 कप भी ले रही हूँ। ज़्यादा मीठी मीठी से जाएगी। गैस को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से पकाएंगे, स्लो कर देंगे हम गैस को। अब दोस्तों, हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने 1/2 चम्मच नमक का डाला है, 1/2 चम्मच अगर आपके पास देगी मिर्च है तो वो डाल दीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी, भुना हुआ जीरा मैंने पहले से ही भुन के और पीस के इसको रखा हुआ है, काला नमक 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालूंगी, रेड कलर का, ताकि हमारा कलर अच्छा आए। अगर आपके पास देगी मिर्च है तो आप वो भी इसमें डालेंगे तो उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास देगी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा कलर जो है काफ़ी अच्छा आता है। अब हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। उससे मेरा एक चैनल और भी है, यूनिक होममेड टिप्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे पैक हेयर ऑयल वगैरह बताए हैं। आप अगर शौकीन हैं ब्यूटी के तो आप वो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी। मैंने गैस को बंद कर दिया है। हमारी चटनी देखो कितनी अच्छी लग रही है। इसे किसी बाउल में निकालेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए दोस्तों, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा इसलिए मैं इसे चखूंगी ज़रूर। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी चटनी, खट्टी मीठी सी, मुँह में पानी आ गया देखकर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।